हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस सो करंट डेवलपमेंट इश्यूज के लेक्चर के साथ दिस इज द फोर्थ लेक्चर फॉर द डे दैट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब कोशिश यही रहेगी कि रोज चार पांच चार पांच लेक्चर अपलोड करें ठीक है कोशिश पूरी रहेगी तो आप लोगों ने भी जोर लगाना है और हम एज ए टीचर भी कोशिश करेंगे कि पूरा जोर लगाएं। तो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के दस क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड दीज आर द कोर्सेज ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स है बेटा आपके लिए अब जो सबसे बढ़िया कोर्स है और इसके अंदर आपको यूट्यूब के सारे पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाते हैं तो अगर आपके पास ये है तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत नहीं है ठीक है अभी आ, आप ये कोर्स लो बेस्ट है आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आई गैप सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सो क्विकली स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन इन अक्टूबर 2022 ऋषि सुनाक बिकेम द डैश प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम तो जब ऋषि पीएम बने थे ना बहुत रोला पड़ा था इंडिया में भी कि जी इंडियन ओरिजिन का पीएम बन गया कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि जिस देश ने हम पर इतने साल राज किया तो हमारा पीएम बन गया तो ये सब अफवाहें चल रही थी अफवाहें तो क्या मतलब खुश हो रहे थे लोग इससे बहुत ज्यादा तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी सरप्राइज क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेता है तो अपने को क्लियर रखना है ज्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है तो

नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज़ रिसेंटली वॉन द नेशनल इंटलेक्चुअल प्रॉपर्ट अवर्ड ट्वेंटी 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 टू तो बेसिकली ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड अनाउंस हुए थे इक्कीस बाईस दोनों के लिए किस इंस्टीट्यूट को यह अवार्ड मिला आई आई टी बॉम्बे आई आई टी मद्रास आई आई टी डेली या आई आई टी कानपुर सो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी आई आई टी मद्रास ठीक आई टी मद्रास विल बी द राइट आंसर ये तो फटाफट बस याद रखना है और ये अवार्ड कौन देता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से यूनाइटेड नेशंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फोर्थ तो इंपॉर्टेंट डे है यूनाइटेड नेशंस का तो फाउंडेशन डे वो एज अ स्टैटिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है सो इट इज ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू याद करना है ओके okay, और ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ये याद रखना है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन एक स्टेट ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था कुंज ऐप ये एक मोबाइल ऐप है जो साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए काम करती है बच्चों के लिए जो साइबर क्राइम होता है बच्चों के अगेंस्ट तो ये कुंज ऐप कौन सी स्टेट का है ऑप्शन है तमिलनाडु बी केरला सी तेलंगाना डी आंध्र प्रदेश अगेन बस मेरे को मेनली ये याद रखना है कि ये कुंज ऐप आया था ठीक है ऐप का नाम याद कर लिया पर्पज याद कर लिया और स्टेट याद करना है किसका है उसके अलावा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ऑप्शन बी केरला विल बी द राइट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के ऊपर एक क्वेश्चन है तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि uh, ये एक टाइप का रिपोर्ट है जिसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड इनका कितना कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसको रिपोर्ट करता है दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बार बार बोल रहा हूं यूपीएससी का जब एग्जाम देने जाओगे तो ये करेक्ट इन करेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को अगर यहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाला सीन होगा ठीक तो है तो ऑप्शंस हैं ये आपके ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू एंड डी इज नीदर वन नर टू कौन सा करेक्ट है पूछा आंसर होगा ए वन ओनली इज करेक्ट

फटाफट से सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे राइट टू वोट ये न्यूज में आया था बिकॉज एक कंसर्न चल रहा था कि जो लोग जेल में जाते हैं ठीक है उनके पास राइट टू वोट होता है या नहीं होता ये उसके ऊपर क्वेश्चन बना है तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है कि जी राइट टू वोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है अंडर आर्टिकल थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट right दिया है दूसरा स्टेटमेंट कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 मैंडेट्स दैट नो पर्सन शॉल वोट एट एनी इलेक्शन इफ कन्फाइंड इन अ प्रिजन अगर आप जेल काट रहे हो तो जेल में आप फिर वोट नहीं करोगे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ डी नीदर कौन सा इनकरेक्ट है ध्यान रखना करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर बहुत सारा चीजें डिपेंड करती हैं तो कौन सा इनकरेक्ट है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी नीदर वन न टू इज इनकरेक्ट ओके राइट टू वोट आपका आर्टिकल जस्ट गिव अ सेकंड गाइस, ओके सो राइट टू वोट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है आर्टिकल 326 आपको राइट टू वोट देता है फंडामेंटल राइट right नहीं है अगर यहां पर फंडामेंटल वर्ड लिखा होता ना तो ये गलत हो जाता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट right नहीं है फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट थिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है आर्टिकल थ्री के अंदर प्रोवाइडेड है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है दूसरा स्टेटमेंट बोलता है The Okay. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि किसी भी पर्सन को वोट करने का राइट नहीं है अगर वो जेल में है तो यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है तो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और मेरे से इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर नीधर वन नर टू हो गया ओके okay? सो राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया और सेक्शन सिक्सटी टू फाइव है ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है आरपीए एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन में इसके अंदर ये प्रोविजन है कि अगर आप जेल में हो तो आप वोट नहीं करोगे इसके ऊपर डिबेट चल रहा था रिसेंटली और इसी वजह से इसके ऊपर हमने क्वेश्चन डाला नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेगोशियेबल वेयर हाउस रिसिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर को क्योंकि काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है ये पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये फार्मर को एनकरेज करता है सेल दे आर प्रोड्यूस इमिजिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट विदाउट एनी डिले फार्मर को एनकरेज कर रहा बेचने के लिए इमिजिएटली दूसरा फार्मर कैन सीक लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट नेगोशियबल वेयर हाउस कर्जा ले सकते हैं एनडब्ल्यू आर दिखाकर के तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको इंप्लीमेंट करता है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर इसका है ऑप्शन सी टू ओनली पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है ये बना ही इसीलिए है जो एनडब्ल्यू रिसिप्ट का प्रोविजन है ताकि फार्मर को इमीडिएटली जल्दबाजी में बेचना ना पड़े क्योंकि क्या होता है जब हार्वेस्ट हो गया जब फसल कट गई तो कई बार क्या होता है एकदम से ना प्राइसिस जो होते हैं पर्टिकुलर क्रॉप्स के या पर्टिकुलर वेजिटेबल्स के या पर्टिकुलर प्रोड्यूस के वो कम हो जाते हैं मार्केट में तो अगर मार्केट में प्राइस कम हो गए तो किसान का जो फसल है वो भी सस्ते में बिकेगी तो उसको नुकसान होने के चांस रहते हैं ठीक है अगर वो बेचेगा नहीं तो उसमें भी उसको खतरा उसमें अगर बेचेगा नहीं तो वो वैसे खराब हो जाएगी पेरिशेबल आइटम है एग्रीकल्चर की ठीक है कोई लोहे की चीज तो है नहीं कि बन करके रखी रहेगी एक महीना कुछ नहीं होगा तो दोनों चीज में उसको नुकसान है बेचेगा तो सस्ता दाम मिलेगा नहीं बेचेगा तो खराब हो जाएगा तो सरकार ने बोला कि इस चीज को रोकते हैं इस चीज को कैसे रोकते हैं हम सरकारी वेयर हाउस बना देते हैं ठीक है और हम किसान को बोलेंगे कि हमारे इस वेयर हाउस में आकर के तुम अपना गुड्स को अपने प्रोड्यूस को रखो ताकि जब मार्केट में सही दाम आए तब तुम उसको बेचना ठीक है और जब तुम हमारे वेयर हाउस में आकर के अपने प्रोड्यूस को डिपॉजिट करोगे तो हम तुम्हें एक रसीद देंगे जैसे आप अगर कहीं पर अपना सामान रखते हो तो उसकी रसीद मिलती है ना तो वैसे ही आपको एक नेगोशिएबल वेयर हाउस की रसीद मिल जाएगी किसान को यह रसीद मिल जाएगी कि हाँ भाई इतना क्वांटिटी इस पर्टिकुलर आइटम का इसने हमारे वेयर हाउस में रखा है और ये जो रसीद है ये किसान बैंक में लेके जाकर के बैंक से लोन भी ले सकता है कि देखो मेरे पास रसीद है मेरा इतना माल उस वेयर हाउस में रखा है और वो रसीद देख करके बैंक लोन भी दे सकता है तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये सेल करने के लिए नहीं बात कर रहा यह कह रहा है कि भाई तू अपना आकर के वेयर हाउस में रख ले दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है बैंक लोन देगा तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करती ठीक है इसको इंप्लीमेंट करने का काम है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डब्ल्यूडीएरए का जिसको सेट किया गया था अंडर दिस वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट टू इसका मतलब ये क्या है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये क्या हो गई है स्टैच्यूटरी बॉडी क्योंकि ये एक्ट के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई है और मेनली इस वेयर हाउस है है के जाए कि वो, वहां वो अपने गुड्स को रख सकते हैं और उसके लिए उनको एनडब्ल्यू आर यानडब्ल्यू आर जो है वो मिल जाएगा और इसके लिए वो लोन भी ले सकते हैं ये दिखा करके ओके सो फार एक सौ तेईस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को और छब्बीस हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज को नोटिफाई किया गया जिनको वेयर वेयरहाउसेज में आप स्टोर करके अपनी नेगोशियेबल वेयर हाउस रिसिप्ट ले सकते हो ये नंबर आपको याद करने की दो जरूरत नहीं है ठीक है ये अथॉरिटी के बारे में भी लेकिन आपको याद होना चाहिए पता होना चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन सेवेंथ एडिशन हुआ था फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन वर्ल्ड कप का इंडिया के अंदर ही हुआ था तो किस कंट्री ने डिफीट किया था कोलंबिया को टू विन दिस वर्ल्ड कप ठीक है ये अंडर सेवनटीन वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता ऑप्शन ए स्पेन बी जर्मनी जर्मनी सी फ्रांस डी नीदरलैंड ओके सो कोलंबिया वाज़ द रनर अप कई बार वो रनर अप भी पूछ लेता है okay, ओके तो तो रनर अप भी पता होना चाहिए एंड विनर हो गया आपका ऑप्शन ए स्पेन एडिशन था ये याद रखेंगे अंडर सेवनटीन था इंडिया की तीन सिटीज के अंदर खेला गया भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में गोवा के मारागांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और महाराष्ट्र के नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम के अंदर मैचेस खेले गए थे स्पेन ने मैच जी आ, फाइनल जीता है और कोलंबिया रनरअप था नाइन्थ क्वेश्चन मानगढ़ धाम मानगढ़ धाम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिसेंटली न्यूज में था मोदी जी ने इसका जिक्र किया था इसीलिए न्यूज में था राजस्थान गुजरात बॉर्डर के ऊपर है चार हिंदू पिलग्रिमित साइट है चार हिंदू धार्मिक या पिलग्रमित साइट मंदिर वाली साइट है इसको आदिवासी जलियावाला बाग भी कहा जाता है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड 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 आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एंड ओनली राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे और इसको आदिवासी जलिया वाला भी कहा जाता है प्रधानमंत्री ने बेसिकली अभी बोला था कि इसको हम डेवलप करेंगे राजस्थान के बंसवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है और राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे पड़ता है ये और ये जाना जाता है ट्राइबल्स के मैसेकर के लिए जो अंग्रेजों के समय हुआ था 1913 सौ तेरह में अराउंडीन हंड्रेड भिल ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डेवेल की मौत हुई थी इस मैसेकर में इसीलिए इसको जलियावाला बाग या आदिवासी जलियावाला भी बोला जाता है ओके क्योंकि जलियावाला बाग से छह साल पहले हुआ था तो ये न्यूज में था करंट में था और थोड़ा सा हिस्टोरिकल एलिमेंट भी इसके अंदर आ गया लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों रामगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर टोटल 54 टाइगर रिजर्व्स हैं करंटली और ये इंडिया का फिफ्टी टाइगर रिजर्व है 2012 के अंदर ही इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया तो कौन सी स्टेट के अंदर आता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र बी हिमाचल सी राजस्थान डी हरियाणा होमवर्क भी आपका एक छोटा सा होमवर्क आपका ये है आपने मुझे कमेंट में बताना है फिफ्टी नेशनल uh, टाइगर रिजर्व कौन सा था वो भी दो में अनाउंस हुआ था तो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये आपका राजस्थान के अंदर है ठीक है राजस्थान के अंदर है फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व था ये सीरीज के अंदर और फिफ्टी थर्ड जो टाइगर रिजर्व होगा वो आप मुझे बता देंगे और उसको फिर हम आ, करेंगे तो टाइगर रिजर्व्स का भी एक छोटा सा लेक्चर जो है हम सोच रहे हैं कि कंडक्ट करें जैसे वेटलैंड्स का किया था ना वैसे ही 54 टाइगर रिजर्व्स की भी एक बार लिस्ट आपको करा देंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें टाइगर रिजर्व वगैरह की लोकेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो एक नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसमें टाइगर रिजर्व को जो है वो डिस्कस कर लेंगे पहले एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे टाइगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंडिया के अंदर क्या रोल है क्या रूल्स है नेशनल टाइगर अथॉरिटी के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे एंड उसके बाद फिर हम टाइगर रिजर्व को भी डिस्कस कर लेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवरअप कर लेंगे सो अभी के लिए दोस्तों दिस वर द क्विक टेन क्वेश्चंस एंड पीडीएफ आपका आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मेल कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो टेलीग्राम कर सकते हो एनीथिंग कैन बी डन ओके सो सी द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय